मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे आपकी लाइफ में कितनी सारी सिचुएशंस आई जो लाइक आपके हिसाब से नहीं थी, तो लाइक जैसे आपने कोई चीज़ स्टार्ट करी, ठीक है, आपने बड़े जोश से स्टार्ट करी वो चीज़, बट इवेंचुअली क्या हुआ, आप उस जगह पे आके स्टक हो गए, आप आगे बढ़ नहीं पा रहे, जोश आप में अभी भी है पर आपके समझ में नहीं आ रहा इसके आगे मैं क्या करूँ, तो सर उसे आप कैसे हैंडल करते हैं? ये तो होता है, हम सबके साथ होता है, बहुत बार होता है। जब हमने ऑफलाइन स्टार्ट किया तो कॉलेज छोड़ के आए थे, तो हमको तो ये लगा था महीने का 15,000 मिल जाए तो बैंक लोन देते रहेंगे, 5-5 हज़ार, 10,000 घर पे दे देंगे तो इज्जत बच जाएगी घर में कि कम से कम बैंक लोन का पैसा नहीं ले रहे हो। तो 15,000 रुपये की जॉब मिली और फिर उन्होंने निकाल दिया जॉब से, क्योंकि क्लास में बहुत अच्छा पढ़ा दिया। इस पर भी निकाल दिया जाता है क्योंकि यू बिकम द मोस्ट वायरल टीचर ऑफ दैट कोचिंग, तो वो ओनर को बर्दाश्त नहीं होता अगर वो फिजिक्स का टीचर हो। तो फिर वहाँ से निकाल दिया गया पहली क्लास के बाद। यूनिट्स एंड डायमेंशन से क्वेश्चन कराए थे सर, तो पहले ही होप टूट गई यहीं पे जो सोच के आए थे। फिर एक ये ना, यू कीप स्ट्रगलिंग, यू कीप नॉकिंग एवरी डोर, हर दरवाज़ा खटखटाओ कहीं भी अपॉर्चुनिटी मिले। तो फिर एक छोटी सी कोचिंग थी इलाहाबाद में, तो यादव जी चलाते थे, उनका यादव जी नाम है, तो वहाँ गए तो उन्होंने बोला कि 125 रुपये एक लेक्चर का, और जोड़ जाड़ के महीने के 5,000 बन रहे थे। ज्वाइन कर लिया, पढ़ाने को तो मिलेगा। फिर वहाँ पढ़ाया एक डेढ़ महीना पढ़ाया। फिर एक दूसरी जगह थोड़ा सा एक जगह बात हुई, उन्होंने कहा अपना खोल लो, तो फिर वहाँ खोला, फिर वहाँ पढ़ाया तो जादू होने लग गया। फिर वहाँ पे अपना बोर्ड लगा दिया फिजिक्स वाला का, और फिर वो ग्रो करने लगा। फिर 2 साल 3 साल बहुत अच्छा ग्रो किया। 3रे साल ऐसा हो गया बैठने की जगह नहीं क्लास में, फिजिक्स के एकदम वायरल टीचर, एकदम अजीब सा टीचर है, टैटू है, टकला है, तो बहुत अच्छा प्ले होता है टकला भी, ठीक है। तो यार बहुत क्राउड होने लगा क्लास के अंदर 3rd ईयर में। बट ना 3rd ईयर में यार क्या हुआ ना, जो आप कह रहे हो वही कि अलख पांडे इसलिए कॉलेज थोड़ी ड्रॉप की थी, क्या हो रहा है यार, ये तो सैचुरेट हो गया। एंड एट दैट प्लेस ना, जो मैं बोला था फ्रेंड्स, वहाँ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वो फ्रेंड्स ना आपको जेलेसी फील कराते हैं उस मोमेंट पर। क्या होगा ना, एक अच्छे कॉलेज में आने का सबसे अच्छा फ़ायदा ये है कि यहाँ से आप बाहर निकलोगे, हो सकता हो कोई अच्छी जॉब ले, कोई ख़राब जॉब ले, पर 5 साल बाद देखना हर कोई बहुत तगड़ा करने लगेगा, और वो आपको इंस्पायर करेगा, जेलस करेगा, और जेलस करके इंस्पायर करेगा। तो मेरे साथ यही हुआ। 3 साल बाद मैं स्टक हो गया कोचिंग में, और मेरा ओनर बोल रहा है कि अगले साल तो भीड़ लगने वाली है। मैंने कहा इस भीड़ से कुछ हो नहीं रहा यार, कितना ही बच्चा पढ़ा लेंगे क्लासरूम के अंदर। और एक चीज़ ये भी होती है कॉलेज ड्रॉप आउट का, तो होता है ना कि बिल गेट्स बनना है, सबका सपना हो जाता है, और लोगों की एम भी होती है कॉलेज ड्रॉप आउट। तो वहाँ पर मैं स्टक हो गया था। 4था साल आया, मेरा इंटरेस्ट खत्म हो गया पढ़ाने में, और 4थे साल में ऑफकोर्स फिर स्ट्रेंथ ज़्यादा थी, एंड आई वॉज नॉट टीचिंग एट माई फुल पोटेंशियल। तो मैंने कहा मैं इसको अब गिव अप कर रहा हूँ, और दिस इज़ अ स्टोरी दैट आई नेवर टेल। तो फिर मैंने अब कहा कि अब मैं ग्रेजुएशन कर लेता हूँ, तो ग्रेजुएशन नहीं किया था, तो फिर हमने IGNOU में इनरोल किया ग्रेजुएशन करने के लिए, और सपना बनाया कि UPSC का एग्ज़ाम देंगे। सेविंग थी मेरे पास 12 लाख की, तो मैंने 12 लाख को डिवाइड किया 3 साल, 4 लाख का पैकेज है अलख पांडे, ठीक है, 4 लाख हर साल रहेगा तुम्हारे पास, 3 साल लगेंगे, 3 साल में ग्रेजुएशन हो जाएगा। तो IGNOU से किताबें आ जाती है घर पे, आई होप आप लोग के घर ना आए ऐसा कुछ ना, सो दैट्स नॉट गुड थिंग। तो IGNOU से किताबें आ गई घर पे, और फिर पढ़ना स्टार्ट किया, और फिजिक्स से कर रहे थे BSc, तो BSc हो जाएगी। पर वही बोलते हैं ना, वो दिल माने कहाँ, तो कमबख्त दिल माने कहाँ। तो फिर रूम में वाइट बोर्ड लगा था, शूट करने लगे लेक्चर साइड से, लेक्चर शूट करके रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डालना स्टार्ट कर दिया। और इस बीच एक चीज़ और हुई कि UPSC तैयारी के बीच में, जैसे आप बोल लो जब ऐसी सिचुएशन आती है ना, तो यू नीड योर मी टाइम अ लॉट, वी ऑल नीड अ मी टाइम। और इस टाइम सोशल मीडिया में तो वी नीड एक्चुअली नीड अ मी टाइम। तो मैं ना ब्रेक लेके चला गया था उत्तराखंड, एंड फॉर गुड 3 मंथ्स मैं उत्तराखंड में एक किराए के घर पर रहता था, लोगों से कम्युनिकेशन कटा हुआ था, और वहाँ पर फिर डायरीज में अपनी चीज़ें लिखता था, और ये सारी चीज़ें करता था, और स्मार्ट बोर्ड पे लगता है। और पता है क्या होता है कि आपको जैसे आपको भी लगता होगा ब्रेक चाहिए लाइफ में ना, कई बार लगता होगा ब्रेक चाहिए इस पढ़ाई से, इस कॉलेज से, इस सोशल मीडिया से, सबसे ब्रेक चाहिए। बट वट हैपन्स कि जब आप ब्रेक लेते हो ना, 1 महीने 2 महीने बाद वापस चुलंदर आ जाती है। तो मैंने वो ब्रेक लिया, 3 महीने बाद मुझे लगा लेट्स गो बैक, लेट्स डू समथिंग न्यू, अब ऐप लॉन्च करते हैं, या आप चलते हैं। फिर 2 साल बाद फिर वही हाल हुआ जो आप बोल रहे हो, अब यूट्यूब सैचुरेट हो गया। करते करते 2 साल 11 पढ़ा दिया, 12 पढ़ा दिया, अब क्या करें, फिर से पढ़ाएं। तो ये सिचुएशन हमेशा लाइफ में आती रहती है, छोटे मोटे हम लोग ब्रेक लेते हैं, अपने आप वापस पुश होता है। द थिंग इज दैट यू कीप नॉकिंग द डोर, कीप नॉकिंग द डोर, कीप नॉकिंग द डोर। तो इसमें कोई ऐसा कुछ गलत नहीं है कि ऐसी सिचुएशन नहीं आएगी कि आप फंस जाओगे, जो आप चाह रहे हो। जोश ठंडा हो जाता है, सबके साथ होता है जोश ठंडा। ब्रेक ले लो, कुछ और ट्राई करो। जैसे मेरा सपना एक्टिंग का है, अभी भी है, मेरा गया नहीं, मेरा अभी भी। मैंने सोचा है कि जब मैं फिजिक्स वाला से रिटायर होऊंगा तो किसी मूवी में साइड रोल कर लूँगा, हाँ, या प्रोड्यूस कर लेंगे तो पैसा तो है ही है, तो मूवी बना देंगे। सो जस्ट दैट आई एम टेलिंग कि यू कीप नॉकिंग द डोर। आई थिंक द लेसन इज़ की बी कंसिस्टेंट एंड कीप नॉकिंग द डोर। और ये मैं खुद से बहुत बोलता था, वही बोलते भी थे, सेट टी इज इक्वल्स टू जीरो, सेट टी इज इक्वल, जब भी फेल हो सेट टी इज इक्वल जीरो, फिर से एक नई शुरुआत करेंगे। क्योंकि मैंने कई बार देखा है कि किसी का भी ऐसे सीधा नहीं चलता है ना, सभी का ऐसे नीचे जाता है, ऊपर आता है, होता रहता है। बट द थिंग इज दैट जब भी रियलाइज़ हो फिर वापस एक बार हिट मारो, जब भी रियलाइज़ हो फिर वापस एक बार हिट मारो, एंड कीप डूइंग इट। और क्या, देयर इज़ नो सीक्रेट टू इट। यस।